हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ में चैप्टर नंबर 20 कराऊंगी। चैप्टर नंबर 20 में है मल्टीप्लिकेशन। तो आज आप क्या सीखेंगे, आज आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो आप अपनी मैथ की बुक ओपन करो और उसमें चैप्टर नंबर 20 निकालिए। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 का पेज नंबर 61। तो आज आप पेज नंबर 61 और 62 करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस, मतलब हमें इन पिक्चर्स को देखना है और पिक्चर्स को देखने के बाद हमें इन बॉक्स में लिखना है और लिखने के बाद हमें उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैं इसमें आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखेंगे ग्रुप में कितनी पिक्चर्स बनी हुई है। हर ग्रुप में देखो कितनी पिक्चर है, 1 2। इस ग्रुप में कितनी है, 1 2। इस ग्रुप में कितनी है, 1 2। इस ग्रुप में कितनी है, 1 2। इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब हर एक ग्रुप में 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे कि हर, क्योंकि जो भी पिक्चर्स हैं वो कितनी दी हुई हैं हर ग्रुप में, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओके, अब हम ये देखेंगे ग्रुप कितने हैं। तो ग्रुप कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो इसके मतलब जो ये पिक्चर्स हैं 2 2, तो इसके कितने ग्रुप हैं, मतलब 4 ग्रुप हैं। इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, तो इसके पास भी 2 हैं, मतलब कितने लोग हो गए, 4। तो ग्रुप कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब हमें ये पता करना है कि पिक्चर्स तो हर किसी के पास 2 हैं, है ना, और कितने लोगों के पास है, 4 लोगों के पास 2 2 पिक्चर्स हैं। अब टोटल कितनी पिक्चर्स हो गई, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 है, 2 पिक्चर्स थी, तो हम 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। क्यों, ग्रुप कितने थे, 4, तो हमने 2 का मल्टी 2 का टेबल करेंगे 4 में। तो बताओ 2 का टेबल 4 जा में करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर देखो क्या आया, 8 आंसर आ गया। तो इसका मतलब टोटल पिक्चर्स कितनी है, 8। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 आंसर निकल आया। अब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। अब इसमें ग्रुप कितने, पहले हम ये देखेंगे इसमें कितनी पिक्चर्स दी हुई हैं, 1 2 3। अब इसमें कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे 3 नंबर। ओके, अब मैंने 3 लिख लिया। अब ग्रुप कितने हैं, है ना, ग्रुप कितने काउंट करो, 1 2, कितने ग्रुप हैं यहाँ पर, 2 ग्रुप हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसको देख के बताओ, अब हम 3 की टेबल करेंगे 2 में, मतलब 3 की टेबल 2 में रीड करेंगे, मतलब काउंट करेंगे और देखेंगे कि टोटल नंबर यहाँ पर क्या आएगा। तो 3 की टेबल करो 2 में, क्योंकि इसमें साइन लगा है ना मल्टीप्लाई का, ये साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, हमें 3 की टेबल करनी होती है 2 में, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 की टेबल हमने की थी 4 में, तो आंसर निकल कर आया 8। अब इसी तरह से हम 3 की टेबल करेंगे और किसमें करेंगे, 2 में। तो करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो यहाँ पर 2 जा पे रुकना था, तो 2 जा पर क्या आया, 6 आया। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब हम काउंट कर लेते हैं 6 पिक्चर्स हैं इसमें या नहीं, 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर एकदम राइट है। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम इसको करेंगे, अब इसमें देखते कितनी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब हर एक ग्रुप में 4 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, अब ग्रुप कितने हैं, ग्रुप देखो जल्दी से, 1 2 3, कितने ग्रुप हैं, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3।
अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम ये किसका साइन लगाए, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का साइन होता है तो अब हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 4 की टेबल हम 3 जा में पढ़ेंगे। ओके, अब 4 की टेबल रीड करो और 3 पर आकर आपको रुकना है, ठीक है। 3 पे आकर रुकना है, 3 से आगे नहीं जाना। जैसे हम 4 पे आकर रुके थे, 2 पर आकर रुके थे, ऐसे 3 पर आकर रुकना है। तो बोलो 4 3 जा कितना होता है, और यहाँ पर लिख कर देखो कितना आंसर आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 3 जा कितना होता है, 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 12। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है ना। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, तो चलिए मैं अब आपको दूसरी वाली एक्सरसाइज समझा देती हूँ। तो पेज नंबर 62 ओपन करो, ये है आपका पेज नंबर 62। अब आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें समझ लीजिए। राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको इसमें भी वही करना है जैसा अभी हमने पेज नंबर 61 में किया था। ओके, तो देखिए अब इसमें देखेंगे इसमें कितनी पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, और बीच में ये लाइन हो रही है, तो इसका मतलब ये ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि इधर भी 6 इधर भी 6, तो हर एक ग्रुप में कितने पिक्चर्स हैं, 6। तो देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और ग्रुप कितने हैं, 1 2, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 की टेबल 2 में रीड करेंगे और देखेंगे हमारा टोटल आंसर क्या आएगा। ओके, तो रीड करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आया, 12 आया। अब देखो आंसर हमारा 12 आया। अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 आंसर लिखा हुआ है और 12 ही पिक्चर्स हैं। अब हम इसी तरह से इसको करेंगे। ओके, इसी तरह से ये फुल एक्सरसाइज करेंगे। अब बताओ इसमें कितने ग्रुप हैं, बीच में लाइन है, तो 1 और 2, तो इसका मतलब इसमें 2 ग्रुप हैं। अब हर ग्रुप में कितनी पिक्चर्स दी हुई हैं, काउंट करो, 1 2 1 2, मतलब 2। तो इसका मतलब हर पिक्चर्स, हर ग्रुप में 2 पिक्चर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ग्रुप कितने हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, 2 की टेबल 2 में रीड करेंगे। तो करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया, 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। ओके, अब हम इन पिक्चर्स को काउंट करेंगे, 4 है या नहीं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 पिक्चर्स है, हमारा आंसर जो आया वो राइट है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं इसके इसी तरह से। अब देखो इसमें कितने ग्रुप हैं, 1 2, इसमें भी 2 ग्रुप हैं। अब हर ग्रुप में कितनी पिक्चर्स हैं, 1 2 3, इसका मतलब इसमें 3 और इसमें भी 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और ग्रुप कितने हैं, 2, तो 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल 2 में रीड करेंगे। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि हमें 2 जा पर आकर रुकना था, तो आंसर क्या आया, 6। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 6। अब इसी तरह से इसको करेंगे, इसमें ग्रुप कितने हैं, 1 और ये 2, 2 ग्रुप हैं। अब हर ग्रुप में कितनी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और ग्रुप कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ओके, अब हम 4 की टेबल 2 में रीड करेंगे और 2 जा पर आकर रुक जाएंगे। तो रीड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आया, 8 आया। तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया 8। ओके, अब इसी तरह से ये करेंगे। अब देखो इसमें कितने ग्रुप हैं, 1 2
थ्री फोर, इसमें ग्रुप है फोर ग्रुप, कितने ग्रुप फोर। अब हर ग्रुप में कितनी पिक्चर्स है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मतलब हर एक ग्रुप के पास थ्री थ्री पिक्चर्स हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे, ओके थ्री लिख लिया। अब ग्रुप कितने थे फोर, वन टू थ्री फोर, तो हमने यहाँ पे फोर लिख लिया। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम जो ये थ्री है, थ्री की टेबल फोर पर आकर रुक जाएंगे। थ्री की टेबल बोलो फोर जा में, तो आंसर क्या आएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो हमने यहाँ पे ट्वेल्व लिख लिया, ओके। अब इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। अब कितनी पिक्चर्स हैं इसमें, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मतलब हर एक ग्रुप में थ्री थ्री पिक्चर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो थ्री, और ग्रुप कितने हैं थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, थ्री की टेबल थ्री में बोलेंगे, तो थ्री की टेबल बोलो और थ्री जा पर आकर रुकना है आपको, ओके। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो आंसर क्या आया नाइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइन लिखेंगे, ओके। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है ना किस तरह से करनी है, तो चलिए अब आप पेज नंबर 61 और पेज नंबर 62 को करिए, ओके। और ये एक्सरसाइज जो है आपको बुक में ही करनी है, ना कि नोटबुक में। तो अब आप इसको समझिए और उसके बाद इसको अपनी बुक में करिए। नाउ बाय बाय, टेक केयर।